नमस्कार अपराह्न प्राइम को स्वागत करेडलैंस तृतीय लहर कारण होपे लंबाड़ा और डेल्टा प्लस वेरिएंट यूके रे अधिक मात्रा रे चिन्हट हेले लंबाड़ा वेरिएंट भारत को व्यापार संभावना सरकार को सतर्क दृष्टि रखा परामर्श दे स्वास्थ्य विशेषज्ञ परी मामलार पुनरावृत्ति नयागढ़ नाबालिका बेबी मृत्यु मामलें सामना को आसला त्रुटि गिरफ अभियुक्त साबालक नुहे नाबालक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रु मिला तथ्य पुणी बद घेर में नयागढ़ पुलिस तदंत लखनऊ काकुरी अंचल दुई संदिग्ध आतंकवादी गिरफ अलकायदा सह लिंक सन्देह विस्फोरक सामग्री जबत घटनास्थल में एटीएस और पुलिस पक्ष सर्च अपरेसन जारी संबलपुर में धान बिक्री प्राप्य नपाई बापपुओं मृत्यु घटना सुप्रीमकोर्टे जनस्वार्थ मामला जोगाण विभाग अवहेला पर अड़ुआ राज्य सरकार पूर्व एनएचआरसी हस्तक्षेप राज्य सरकार बरसिले जगद्गुरु शंकराचार्य प्रत्येक क्षेत्र में अणदेखा करुथिबार कले अभियोग परिचालना कमिटर बैठक किंवा कौनसी निष्पत्ति में सामिल करुन थिबा नहीं क्षोभ प्रकाश कले स्वामी निश्चलानंद सरस्वती राति पाहिले विश्व प्रसिद्ध घोषजात्रा काल भाई भौणी को सांगरे नहीं बड़दाण्ड को ओल्हे कालिया सांत आज्ञामाल पाइबा सिंहद्वार अभिमुखे तीन रथ राज्य में कोरोना मृत्यु में लागुनी ब्रेक रेकर्ड 65 जनों जीवन नहीं वायरस 24 घंटे 2282 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 592 आक्रांत और 14 मृत्यु शेष में खोलिया हीराकूद जलभंडार दुईट गेट निष्कासित होला वर्षर प्रथम बन्या जल जलस्तर वृद्धि पाथ्वर निष्पत्ति तलमुंडे बार जिलापाल और एसपी को सतर्क सूचना जारी एथर संपूर्ण खबर तृतीय लहर कारण होपे लंबाड़ा और डेल्टा प्लस वेरिएंट यहां सरकार को सतर्क दृष्टि रखा पड़े त्रिपुरा 90% डेल्टा प्लस वेरिएंट चिन्हट होते वर्तमान से आक्रांत संख्या दिनक दिन वृद्धि पाँची जेहेतु गोटे राज्य में बढ़ुच्च तेणु अगर राज्य को यह व्यापार जथेष संभावना रही है से कोविड गाइडलाइन कड़ाकड़ी भाव अनुपालन करार आवश्यक रही कटक खोर्धा जाजपुर मयूरभंज पुरी भि जिले में संक्रमण कमुना एटी अनलॉक प्रक्रिया जारी रही सह कोविड नियम को कड़ाकड़ी लागू करा दरकार लंबाड़ा वेरिएंट दक्षिण अमेरिकार चिली में अधिक चिन्हट होते मात्र यह वेरिएंट द्वारा पेरू में अधिक मृत्यु होती गत वर्ष सेप्टेम्बर में यह देखाई वर्तमान विस्तृत अनुधान होना जेहेतु वर्तमान युके देखागला युके भारत को अधिक लोक जातायात करेणु यह सतर्क दृष्टि रखा समय आह्वान विश्व स्वास्थ्य संगठन यह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कही मात्र वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहीना स्वास्थ्य विशेषज्ञ निरोज मिश्रा साउथ आफ्रिका एत डिटेल फैसिलिटी नाला स्टडी करने कि जेहेतु तर हायर डेथ बहुत होता पर मिलियन तेणु आमको टी मन रखा पड़ो गोटे स्ट्रेन्थ अफ कनसर्न होपे एवं ये जो आम डब्ल्यूएच भी गोटे भेरिएंट अफ इंटरेस्ट कही भेरिएंट अफ कनसर्न एपर्त कही आमपाई चिंता टे बढ़ी कारण एवं रिसेंटली यूके कि यूरोपियन कंट्री डिटेक्ट है से स्ट्रेनटा एवं से स्ट्रेनटा जेत जेत यूके यूरोप रु बहुत आमर माने लोक इटिक इंडिया को आसती आमर एयरलाइंस मूवमेंट बहुत अच्छी तेणु से आम इंडिया को आसो कि डरटा गोटे रोचे हाँ ना यहाँ गोटे कि आम कनसर्निंग न्यूज आसला जेहतु 90% केसेस जहाँ जेनेमिक सिक्वेन्स डेल्टा प्लस बाहर त्रिपुरा जानते त्रिपुरा गोटे स्टेट जोटा कि अच्छी जो थे कि आम केस लोड कमुना केस लोड अधिक अच्छे पॉजिटिविटी अधिक अच्छे तेनालीटा गोटे कनसर्न रहा है कि आम डेल्टा प्लस टाक नजर रखा पड़े जेहतु से अलरेडी एक्जिस्ट करम कंट्री में तेना डेल्टा प्लस जब सीढ़ी जमी डोमिनेंट स्ट्रेन होगी केरल में जमी अन्य जगह डोमिनेंट स्ट्रेन न हो एपर्यंत तार देखा जो डोमिनेंट स्ट्रेन एवं भी डेल्टा स्ट्रेनटा डोमिनेंट स्ट्रेन अच्छी से गोटे पर नजर रखा पड़ो आमको डेल्टा प्लस वेरिएंट उपर भी नजर रखा पड़ो जेहतु गोटे स्टेट से डोमिनेंट स्ट्रेन होगा दुई जन संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्त कला उत्तर प्रदेश एसटीएस लखनऊ काकुरी अंचल दुई आतंकवादी को गिरफ्त कर दुई संदिग्ध आतंकवादी अलकायदा सह लिंक सन्देह कर निकट विस्फोरक सामग्री जबत होती काकुरी अंचल एसटीएस पक्ष सर्च ऑपरेशन जारी रही स्थानीय पुलिस सर्च ऑपरेशन में सामिल हो बोमा निष्क्रियकारी टीम घटनास्थल में पहुंची आंबुलांस को मुतयन कर आखपाख अंचल घर को खाली करनगहलीपूर्ण अंचल होटीएस पक्षर सावधानतार सह
सर्च ऑपरेशन करा जाउछि जेपरी कोनोसी साधारण लोकंकु क्षति न पहुंचे सेथिपई स्वतंत्र पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। गिरफ करा जाइथिबा आतंकवादीकु पचरा उचरा करा जाउछि। संबलपुर रे धान बिक्री प्राप्य नपाई बाप पुंक मृत्यु घटना सुप्रीम कोर्ट रे रुजु हला। जनस्वार्थ मामला जोगाण विभाग रो अवहेला पई बड़ अड़ुआ रे पड़िपारंती राज्य सरकार। पूर्व घटन एनएचआरसी मध्य करथिले हस्तक्षेप। प्रथमे धान बिक्री परे समय रे प्राप्य न मिलबा शेषरे अर्थ अभाव और उपयुक्त चिकित्सा अभाव रो बाप पुओ चली जाइछंती। घटना संपर्क में बामरार किसान आदिम कृषक सुरक्षा संगठन मुख्य विचारपति को चिठी लिखिथिला जहाको सुप्रीम कोर्ट एक जनस्वार्थ मामला रे रूपांतरित करिछंती। दुई जनक मृत्यु पई राज्य सरकार को त्रुटिपूर्ण धान संग्रह नीति और संबलपुर जिला प्रशासन रो अवहेला को दायी करथिला चासी संगठन। संबलपुर जिला बामरा ब्लॉक भगपड़ा गांव चासी दिलेश्वर पटेल और पुआ सुनील गत 16 डिसेंबर 2020 उचकापाट मंडी में धान बिक्री पाई टोकन दिया जाइथिला। 5 जनवरी 2021 सुनील मंडी को 66 क्विंटल धान आनी तबे गत 12 जनवरी 2021 बिक्री होता किंतु नियम थिबा सत्वे 48 घंटा मध्य चाषी को प्राप्य मिल ना फल बाप पुओंर मृत्यु भली दुखद खबर सामना को आ। राति पाहिले रथयात्रा नवदिनात्म यात्रा रे बड़दांड को ओल्लाइबे चतुर्धाम रति एथिपाई रथ प्रस्तुत पथ भी प्रस्तुत अपेक्षा केवल महाबाहुंक आगमन को। रथखोला को आज्ञामाल विजय कले पूजा पंडा महाप्रभुंक आज्ञामाल पाइबा परे सिंहद्वार चकड़ा अभिमुखे बाहरी थिला तीनी रथ। यहापर रथर चक और अखरी तैल लगी होईछि। सेपटे श्रृंखलित रथयात्रा पाई त्रिस्तरीय सुरक्षा बल रे रहिबो श्रीक्षेत्र। जल स्थल और आकाशपथरे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी हेबो। सहर को 12 जोन और बड़दाण्ड को 4 जोन रे विभक्त करा जाइछि। प्राय 65 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। 10 जन अतिरिक्त एसपी 31 डीएसपी 64 इन्स्पेक्टर 222 एसआई और एसआई मुतयन हेबे। पूरी पई सबु प्रवेश पथ सिल हेबो। सीसीटीवी नजर रे रहिबो पूरी सहर। आज राति 8 टारु 13 तारिख राति 8 टा जाए कर्फ्यू लागू रहिबो। कोरोना कटकणा भितर श्रीजीव घोष यात्रा आपण माने घरे बसी महाप्रभु दर्शन करूँ। अर्गस माध्यम रे सबु नीतिकांति सीधा प्रसारण सह गोल्ड कॉइन जितबार सुजोग नियंतु। अर्गस रथयात्रा क्विज रे भाग नियंतु एवं प्रति अध घंटा रे जितंतु गोल्ड कॉइन। एथिपाई डाउनलोड करूँ अर्गस आप मन रखु केवल आप जरिया रे ही आपण एही क्विज रे भाग नै पारिबे। अर्गस रे रथयात्रा ओ सुनावेसर सीधा प्रसारण देखंतु आर्कस न्यूज आप रे प्रश्नर उत्तर दे प्रति अध घंटे खिमजी ज्वेलर्स तरफ जितंतु सुना मोहर तुरंत डाउनलोड करंतु आर्कस न्यूज आप। राज्य सरकार को उपरे बर्षिछंती जगतगुरु शंकराचार्य। राज्य सरकार स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को अणदेखा करूथिबा से कहिछंती। प्रत्येक क्षेत्र में श्रीमंदिर प्रशासन और राज्य सरकार तंकु अणदेखा करिछंती। परिचालना कमिटर बैठक किंबा कोनोसी निष्पत्ति रे शंकराचार्य को मत लोडा जाउ नथिबा से कहिछंती। नयागढ़ नाबालिका बेबी मृत्यु मामलें परिमृत्यु मामला त्रुटिर पुनरावृत्ति। नयागढ़ बहु चर्चित बेबी दुष्कर्म हत्याकांड मामलें पुलिस द्वारा गिरफ अभियुक्त साबालक नुह बर नाबालक जहाँ पुणि थे बद भर को टाणी आसी नयागढ़ पुलिस तदंत। 11 जून 2021 बाणीगोछा थाना धुंदुगाड़िया नाबालिका बेबी दुष्कर्म और हत्या मामलें गिरफ अभियुक्त नाबालक होता नहीं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रु आसी सांघातिक तथ्य। बेबी हत्याकांड क्षेत्र में गिरफ अभियुक्त जनक नाबालक नयागढ़ पक्सो कोर्ट को संदेह होता पर एने उपयुक्त तथ्य प्रमाण जोगाड़ी नयागढ़ शिशु सुरक्षा यूनिट को निर्देश देते पक्सो कोर्ट। कोर्ट को निर्देश आधार में जिला शिशु सुरक्षा यूनिट जोगाड़ कर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रु नाबालक बयस 16 वर्ष जमापड़ी जहाँ जिला शिशु सुरक्षा यूनिट पक्षर एने अभियुक्त नाबालक दर्शाइबा नहीं जुवेनाइल कोर्ट में आवेदन कर सूचना मिली। नाबालक को साबालक दर्शाई कोर्ट रे गोटे एत बड़ हिनियस क्राइम रो विचार प्रक्रिया को त्वरान्वित करने जो पदक्षेप पुलिस नहीं निश्चित भाव
ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଳା ବାଟ ଏମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସାଧାରଣରେ ଘୋର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ମୋର ମତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇନି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ତାର ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାର ବୟସ କେତେ, କିମ୍ବା ଅସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଡାକ୍ତର ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବୟସ ପ୍ରକୃତ କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଭଜନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭଜନଟି ବିଜେପି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ଗାୟକ କୈଳାସ ଖେର ଗାଇଛନ୍ତି। ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଗାୟକ କୈଳାସ ଖେର। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାସହ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁରୀ ନଯାଇ ଘରେ ରହି ମହାବାହୁଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଏହାସହ ମହାମାରୀରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦରଣୀୟ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଆଉ ଭାରତର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କୈଳାସ ଖେରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ, ରଥ କାଲି ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏଭଳିଆ ଏକ ଭଜନ, ଏଭଳିଆ ଏକ ସମର୍ପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଆଉ କୈଳାସ ଖେରେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କରୋନାର ବିକଟ ସ୍ଥିତି ବେଳେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉନାହିଁ, ପୁରୀରେ ହିଁ କେବଳ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ କଟକଣା ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦେଖିକି, କୋଭିଡ଼ର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦେଖିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଧେ ସେହି ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସମର୍ପଣ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଆମର ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିକି ନିଜେ, ସେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ବଡ଼ ଅନୁରକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ସମର୍ପଣ ଅଛି, ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ରଥରେ ତ ପୁରୀରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବିକଳ୍ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିନବ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଆସ୍ଥା ତିଆରି ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଖବର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଏନେଇ ପୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବସିଛି ପୋଲିସର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ମୟୀ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରସ୍ତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ଆସିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରାର ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିବ, କଡ଼ାକଡ଼ି କିଭଳି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଲିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ପୁନର୍ବାର ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ମଧ୍ୟ।
अच्छा पूरी एसपी कनवर विशाल सिंह अच्छे और पुलिस प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी अच्छे विशेषकर आप चिन्मय जानते 65 प्लाटून पुलिस फोर्स समुदाय रथयात्रा नियोजित हे विशेषकर त्रिस्तर सुरक्षा व्यवस्था कथ आम कह स्थलपथ आकाशपथ और जलपथ तीनोटी पथर कि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी पूरीर प्रवेश पथ संपूर्ण रूपए सिल रही है संपूर्ण भाव नाकाबंदी कर गुरुत्वपूर्ण सूचना होगी आज रात 8 मंगलवार रात 8 पर्यंत अर्थात 48 घंटा पर्यंत कर्फ्यू बलवत्तर रहा है 144 धारा जारी रहा है तो साधा पोशाक धरी पुलिस हूँ ओडिशा स्विफ्ट एक्शन फोर्स हो तमाम पुलिस अधिकारी मैंने किभली भाव नियोजित हे कहार कौ दायित्व और जिते बड़े रथ चलो आउटडोर कॉर्डर ने पुलिस किभली भाव क्लीयरेंस कर तारी घन घन बैठक चलती और बड़दाण्डर उभय पार्श्व जो व्यक्ति मान घर घर अच्छी होटेल लजिंग किभली भाव व्यक्ति मैंने हूँ पर्यटक मैंने हूँ बड़दाण्ड को ओह्लई आसपारे ना से तमाम दिग्वर पुलिस प्रशासन तीक्ष्ण नजर रखी और बड़ कथा होती सहर में 12 जगह सीसीटीवी लगुच सिंहद्वार ठू गुंडीचा घर पर्यटन सीसीटीवी सर्भेलेन्स संपूर्ण बड़दाण्ड रही है तो देखा बाकी रहा है किभली भाव श्रृंखलित भाव में चलित बर्ष रथयात्रा होती जेहेतु बिना भक्त गत वर्ष भली चलित बर्ष रथयात्रा आयोजन होती पुलिस प्रशासन पक्षर कड़ाकड़ी व्यवस्था कराई है और घन घन बैठक जारी रही डॉग स्क्वाड ठू आरंभ कर बम स्क्वाड तमाम साधा पुलिस साधा पोशाकधारी पुलिस समस्ते मुतयन होती प्रति गली प्रति कंदी प्रति छक और बड़दाण्ड को संलग्न करुवा जितेक गली कंदी अच्छी से जगह किभली भाव स्थानीय बासिंदा मैंने बड़दाण्ड को न आसे से तमाम दिग्वर आलोचना कर निश्चित भाव चिन्मय कहपर बैठक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण चिन्मय निश्चित भाव आलोक किंतु प्रश्न उठुच्चे जेहेतु बर्तमान पूरी सहर को पूरा विभक्त कर बड़दाण्ड को विभक्तिकरण या भितर केते जन पुलिस अफिसर रे क्यों सब से उपस्थित रे खास करी ये सब दिगरे कौन विस्तृत भाव आलोचना हो देखो चिन्मय आम कहीपर सहर को 12 जोन में विभक्त कर पूरी बड़दाण्ड को 4 जोन में विभक्त कर जोन नंबर 1 हूँ पूरी श्रीमंदिर सिंहद्वार और जोन नंबर 2 रही जोन नंबर 3 और जोन नंबर 4 रही गुंडीचा घर तो निश्चित भाव सिंहद्वार ठू गुंडीचा घर पर्यंत रथारूढ़ विग्रह को रथ टणा अवस्था किभली भाव में कौन भक्त सदर बाहर को ओह्लई आसपारे ना और विशेषकर तमाम पुलिस अधिकार रोच 222 जन कनिष्ठ बल आरंभ कर होमगार्ड और डीएसपी अधिकारी आईआईसी रैंक अधिकारी समस्त व्यापक मात्रा में मुतयन रोचे और समस्त गुरुदायित्व रही किभली भाव में माननीय मुख्यमंत्री जो भाव कहते हैं रथयात्रा अति श्रृंखलित सहित तो श्रृंखलित रथयात्रा किभली भाव में कहपर कौन प्रतिबंधक लग जा पार नहीं कौन असुविधा हे ना कौन व्यक्ति डिस्टर्बांस करेंगे ना से उपर पुलिस प्रशासन तीक्ष्ण नजर रखी और बड़ कथा होगी बड़दाण्ड को किभली भाव भक्त सदन ओह्ल न आसे तार विशेषकर गुरुत्व दि जाए सीसीटीवी अंडर एंटायर रिशेषकर श्रृंखलित भाव आसंता काली रथयात्रा हेबो विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा कोरोना कटकणा भितरे बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपनकर तमाम सूचना पई राज्य रे कोरोना मृत्यु रे लागुनी ब्रेक पुणी रेकॉर्ड 65 जनक जीवन नेछि वायरस एथिरे खोरधारु सर्वाधिक 14 बरगड़ केन्दुचरु 6 जन लेखाय मृतक रहिछन्ते एहाकु मिसाय राज्य रे मोट गणना जनित मृत्यु संख्या 4569 पहुंचिछे सपटे 24 घंटा रे राज्य रु 2282 पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ते खोरधारु सर्वाधिक 592 आक्रांत रहिछन्ते सेपरि कटकरु 299 मयूरभंजरु 141 पुरीरु 127 ओ जाजपुररु 111 आक्रांत रहिछन्ते एहाकु मिसाय राज्य रे मोट एक्टिव केस संख्या 25461 रे पहुंचिछि निस्वार्थपर भाव काम कर प्रेरणादायी व्यक्ति को मिले पद्म पुरस्कार एपरी लोकों विषय में जनवाक देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करते एने रविवार मोदी ट्वीट कर प्रेरणादायी व्यक्ति को चिन्हट कर संपर्क में पद्म सम्मान वेबसाइट मध्यम सूचना अपलोड करने को कहते प्रधानमंत्री मोदी यह पीपल्स पद्म ना दे पद्म पुरस्कार नामांकन शेष तारीख सेप्टेम्बर 15 रखी राजधानी बस्ती में आतंक राज मनईच्छा बुलू खंडा बापूजीनगर केदारपल्ली बस्ती में चांचल्य तीन जन युवक जड़े पर खंडा देखा आतंकित करमक दे देखा मिली भिडियोटी बापूजीनगर केदारपल्ली बस्ती होता बा कहुच्छे राजधानी छाती उपरे कैपिटल थाना ठू मात्र 500 मीटर दूर से यह घटना आतंक सृष्टि करने घटना लोक भयभीत कर जड़े पर घर छाड़ पलायक किसी लोके धमक दे अजगर को पिटिपिटी मारिदेले लोके राजधानी भुवनेश्वर उपखंड बालीपाटना अंचल एक अजगर को देखा मिलता बिल में काम कर समय दुईजन को यह अजगर आक्रमण करापर ग्रामवासी एकजुट हो सापटी को मारिदे सूचना मिली
राज्य में गोचालाण ड्रग्स कारबार रोकिबा बीजेपी पक्षर घटका एसडीपीओ को दावीपत्र प्रदान दिनक दिन घटका ब्लॉक अंचल अबाध रे गोचालाण और ड्रग्स कारबार वृद्धि पाइबार लगी रोकबारे पुलिस प्रशासन विफल होता देखाई तेणु केन्दुझर जिला घटका ब्लॉक बीजेपी पक्षर अंचल में गोचालाण और ड्रग्स कारबार रोकवाक आज घटका एसडीपीओ असित कुमार महांती को भेट एक दावीपत्र प्रदान करदि यह रोक लगान जाए तेज आगामी दिन में बीजेपी राजरास्ता को ओह्ल चेतावनी आसवा पानीपाग संपर्कित खबर को उपकूल ओडिशा और संलग्न अंचल एक घूर्णिवलय सृष्टि यार प्रभाव में पश्चिम केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसगर तथा आंध्रप्रदेश उपकूल ओडिशा रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि यासह राजस्थान रो पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर पर्यंत एक ट्रफ लाइन सृष्टि होइथिबारु राज्यर अधिकांश स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा लागि रहिबो। दक्षिण ओडिशा रो केतेक जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबा नै आंचलिक पाणिपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। यासह आज पई पांचटी जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। से सबु जिला गुडी कला कोरापुट मालकानगिरी रायगडा कोलाहांडी नवरंगपुर आज सर्वाधिक वर्षा कोलाहांडी जिलार धर्मगढ़ ठारे पाखापाखी 64 मिलीमीटर रेकर्ड करा जायछि। मयूरभंज करंजिया उपखंड में हाथी उपद्रव जहाँ अस्तव्यस्त जनजीवन करंजिया रेंज देवली गांव में हाथीपल गोटे घर भांगा सह व्यापक फसल नष्ट खासकर करंजिया ठाकुरमुंडा सुक्रोली ररुआ ब्लक्र लोक राति न सोई घर सम्मुखें जगि रही सेपटे वन विभाग कर्मचारी झारखंड को हाथीपल घोड़ाइबा उद्यम आरंभ कर किछिदिन हेब केन्दुझर जिलापटु दुईट हाथीपल आसीला शनिवार विलंबित राति में आउ गोटे हाथीपल पशि आसी करंजिया वनखंड में मोट 33 हाथी रही वन विभाग कही दुधियाणी रेंजर सुनापोसी जंगल में 7 हाथी रही ठाकुरमुंडा रेंज अधीन खेजुरिया जंगल में 9 करंजिया रेंजर पार्वतीपुर गाँ निकटे आंब बगिचार 11 हाथी रही रविवार विलंबित राति में आउ एक 6 हाथीपल सुनापोसी जंगल में पशि आसी बर्तमान सुधा करंजिया रेंज में जोटा कि 23 हाथी प्रवेश कर तो बड़ दुखर कथा जोटा कि आमर 25 दिन राति प्रयास चली जाइए जोटा कि आम स्टाफ मैंने तो बारंबार चेष्टा करने सत्ते से मुवमेंट को चेंज कर पार ना जोटा कि आम चेष्टा चलूँ को झारखंड मुहा करवा आगु 18 से 12-15 हाथी आसते बर्तमान 33 हाथी आसी जहाँ शुणा मिलूँ एवं वन विभाग जो भाई हाथी घोड़ेबा कार्य नियोजित अच्छा कितु जो भाई भाव ढंग से अच्छा अधिक उन्नत मानर करथाशीघ्र घोड़ा जापर एवं जनसाधारण पूर्ण सहयोग दरकार जनसाधारण पूर्ण सहयोग कले ये अंचल हाथी मान घोड़ाई झारखंड अंचल जो हाथी मान से जंगल को खेदा जापर पठा जापर। आज खोलिला हीराकूद जलभंडार दुई टिकेट दिन 11 हीराकूद जलभंडारू प्रथम बनाजल निष्कासन होने तलमुंडर 12 जिलापा और एसपी को सतर्क सूचना जारी कर तेज जलस्तर क्रमगत भाव में वृद्धि पाथ्वर एभली निष्पत्ति डैम कर्तृपक्ष फल नदी भितर को जीवाई बारण करें लिखित भाव अवगत करते हीराकूद डैम्र अतिरिक्त मुख्य जंत्री समय सरी अपराह प्राइम को ये रखुचु नमस्कार।